गढ़वा के कई प्रखंडों के मजदूर तमिलनाडु में जारी विवाद में फंस गए हैं और सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। मजदूरों ने तमिलनाडु के तिरुपुर से वीडियो बनाकर भेजा, जिसे सीएम हेमंत सोरेन ने गंभीरता से लिया और एक टीम को तमिलनाडु भेजा। इसके बाद कई श्रमिकों की वापसी हुई और कई लोगों की वापसी आज होगी। तो तमिलनाडु के तिरुपुर में फंसे हैं कई मजदूर, उन्होंने वीडियो बनाया, वीडियो बनाकर भेजा कि किस तरह से वहां पर हिंदी भाषियों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है, उनकी पिटाई की जा रही है, उनके साथ बर्बरतापूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है। और उसके बाद वीडियो बनाकर भेजा था और फिर सरकार ने पहल की इनकी वापसी की। हमारे साथ सहयोगी शाहनवाज अख्तर जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। शाहनवाज, देखिए जिस तरह से तमिलनाडु में हिंदी भाषियों पर अमानवीय, उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया, झारखंड के भी कई मजदूर फंस गए चूंकि काम की तलाश में वहां गए थे। सबसे ज्यादा दिक्कत उनके लिए ये थी कि वो घर से बाहर भी नहीं निकल पा रहे थे क्योंकि बसों में कई जगहों पर उन्हें ढूंढा जा रहा था और जहां भी हिंदी भाषी मिल रहे थे उनके साथ मारपीट हो रही है, ये खबरें हैं। लेकिन ऐसे में अब जब सरकार की पहल हुई है उनकी वापसी के लिए, तो एक बड़ी राहत ऐसे मजदूरों के लिए जो वहां पर फंसे हुए हैं। अभी देखिए, लाखों की संख्या में मजदूर हैं और सिर्फ झारखंडियों के साथ ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं है, हिंदी भाषियों के साथ हो रहा है। और अभी जो हटिया स्टेशन पर धन्यवाद एक्सप्रेस आई है, त्रिपुर एक जगह है वहां पर तमिलनाडु में, वहां से ऐसे ऐसे हृदय विदारक वीडियोज मुझे प्राप्त हुई है कि इसको हम अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा भी नहीं सकते। सर फाड़ दिया गया है, नीचे गिरा हुआ है, नाली में जिस तरह से पानी बहता हुए से खून बह रहा है और लोगों को चुन चुन कर पूछ पूछ करके अगर वो हिंदी बोलता है उसको जख्मी कर दिया जाता है और कहा जा रहा है कि हम रोज एक व्यक्ति को मारेंगे, कत्ल करेंगे। और ये भयावह स्थिति है। झारखंड से भी टीम गई है, 8 सदस्यीय टीम वहां गई हुई है, बातचीत कर रही है, लेकिन ये जो नफरत की जो फिजा है वो साजिशपूर्ण ढंग से उसको पब्लिक में ट्रांसफॉर्म कर दिया गया है। तो ये इतनी आसानी से ये चीजें नहीं होगी। मैंने बहुत सारे प्लान कवर किए हैं आरती, मुझे अच्छी तरह याद है कि 8-10 साल पहले नेपाल से मधेशी जितने भी भारतीय लोग हैं, माओवादियों ने जब वहाँ की शासन संस्था पर कब्जा किया था तो उनको भगा रहे थे, तो फॉरबिसगंज से कटिहार पूर्णिया की जो रेल लाइन है, छोटी लाइन थी तब, वहां से जो लोग मारवाड़ी समाज के लोग, भारतीय जितने भी लोग वहाँ अच्छा कारोबार करते थे, बाल बच्चों समेत जिस तरह से भाग रहे थे, तो मुझे निदा फाजली की वो नज्म याद आई। और वो नज्म है कि अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफर के हम है, रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम है, पहले हर चीज थी अपनी मगर अब लगता है अपने ही घर में किसी दूसरे घर के हम है। वक्त के साथ है मिट्टी का सफर सदियों में, किसको मालूम है कहाँ के हैं किधर के हम हैं, चलते रहते हैं कि चलना है मुसाफिर का नसीब, सोचते रहते हैं कि किस राह गुजर के हम हैं। ये लोग कहाँ के हैं, भारत के हैं, भले ये बिहार से आते हैं, झारखंड से आते हैं, आप बताइए क्या हालात है, कहाँ के सर? त्रिपुर एरिया का बहुत हालत खराब है सर, वहाँ पे जो है दबिया लेके काट काट के मारते हैं सर, बोलते हैं तुम कहाँ का आता हिंदी का, बस मारना शुरू कर देता सर, जब मारता है तो वहाँ पे बचाने वाला भी सड़क पे कोई नहीं होता है, लोग अपना जान लेके भागता है लेकिन उसको कोई नहीं बचाता है सर। आपके किसी नजदीकी किसी एकदम बिल्कुल जानने वाले के साथ कोई हादसा हुआ? हमारे जानने वाले के करीबी दूर का गाँव का था, तो हम लोगों के घर से वीडियो प्राप्त हुआ कि वहाँ पे कत्ल कर दिया है, आपने किसी तरह से चले आओ, तो हम लोग एरिया में पता किए किसका है, तो हमारे गांव का रिश्तेदारी का था, उसका साहू था, उसको मार दिया सर। मार दिया वो नेपाल का था आदमी, वो नेपाल का था, बिहारी झारखंडी यूपी कहीं का भी मिलता है ना सर, हिंदी वाले के नाम से उनको नफरत है सर, पता नहीं अब किस बात से। सवाल पूछ सकते हैं कि क्या स्थानीय प्रशासन से किसी तरह की मदद नहीं मिल रही, वहाँ पे जो दूसरे लोकलाइट्स हैं उनको वहाँ के स्थानीय प्रशासन से किसी तरह की मदद मिल रही है जब तक कि यहाँ से कोई टीम पहुँच ना जाए मौका है वारदात पर? क्या
स्थानीय पुलिस से, एसपी से, जो तमिलनाडु की पुलिस है, उससे कोई मदद मिल रही है? वो लोग आते हैं बचाने पर? नहीं आते हैं सर, वो लोग कहीं कभी नहीं आते बचाने। वहाँ पब्लिक नहीं बचा रहा है, पुलिस के पास छोड़िए सर, पब्लिक नहीं उसको कोई बचा रहा है। शाहनवाज ये बहुत दुखद है, देखिए कोई मतलब नहीं है उसको, जो जा रहा है अपने रास्ते से जा रहा है, कोई किसी को टोकता नहीं है, बस जाओ। और मानने वाला हाथी आकर के चला जाता है खुलेआम। जी जी जी, ये बहुत दुखद है शाहनवाज। आप देखिए कि लोग ये कह रहे हैं कि मार के लोग आराम से चले जा रहे हैं, लेकिन पब्लिक जिनमें खौफ है उनकी छोड़िए, जिन पे ये जिम्मेदारी है कि ये खौफ उनमें से हटाया जाए, वो नहीं पहुंच रहे हैं। आखिर ये हो क्या रहा? आप देखिए हिंदी भाषियों पर, आपने महाराष्ट्र का किस्सा आप भूले नहीं होंगे शाहनवाज, आप मवेशियों की बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र में अभी कुछ साल पहले जिस तरह से हिंदी भाषियों पर वहां पर अमान्य तरीके से उनके साथ व्यवहार किया गया, अभी तमिलनाडु में ये घटनाएं सामने आ रही है। अगर इस तरह से चलता रहा तो फिर ये पलायन तो ऑलरेडी झारखंड झेल रहा, बिहार के लोग झेल रहे, काम करने बाहर नहीं जाएंगे, वहां पर अगर इस तरह का माहौल मिलेगा अगर चले गए तो फिर कैसे चलेगा ये सब? बहुत बहुत अजीब अजीब दास्तान है, बहुत अजीब कहानी बनती जा रही है। एक देखिए आरती, आज जब मैं हटिया स्टेशन के इस रास्ते पे आगे बढ़ा तो मुझे 2 साल पहले का जो कोविड पीरियड का नजारा याद आ गया, जब इसी तरह से बेसरो सामानी का आलम था, अपने अपने सरों पे गठरिया उठाए हुए लोग भाग रहे थे अपनी जान बचाने के लिए। तो उस वक्त तो दुश्मन अदृश्य था, एक वायरस, एक बैक्टीरिया दुश्मन था इंसानियत का, लेकिन आज इंसान इंसान का दुश्मन बन गया है। और ये वही लोग हैं जिनका काम करते हैं हमारे भाई, ये लोग, ये सब क्या करते हैं वहाँ? आप काम क्या करते हैं? काम मजदूर काम करते हैं वहाँ पे, बहुत खतरा वाले काम है वहाँ पे। देख हिंदी वाले को देखता नहीं है, जाने से मार देता है वहाँ पे। तो आप कब गए हैं वहाँ? वहाँ पे हो गया 4 महीने हो गया वहाँ पे। उससे 4 महीना पहले जब गए थे वहाँ तो उस टाइम ऐसा था? ऐसा नहीं था। तो कब से शुरू हुआ? ये 1 हफ्ता से चालू हुआ है वहाँ पे। अच्छा अच्छा, सबसे पहले क्या हुआ ऐसा? आप आइए, बहुत परेशान दिख रहे हैं, सबसे पहले क्या सुने आप? कोई मर्डर वाले बात सुने हमने। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि वीडियो डाल के भड़का दिया गया हो, कुछ एक घटना एक आध हुई? खुद ही भारत में रह करके भारत से ही डरने लगे। अब कहाँ जाए हम लोग कमाने के लिए, बताइए? मजदूर आदमी है, जब सरकार उस पर एक्शन कोई नहीं लिया जाता है, बताइए हम लोग कहाँ जाएंगे, किस राष्ट्र में जाएंगे कमाने के लिए? कहाँ कहाँ गए, किस किस राज्य में गए आप? एक बार वहाँ गए थे, गुजरात गए, गुजरात से भी भगाया गया, उसके बाद तमिलनाडु गए, वहां से भी भगाया था। चलिए शाहनवाज, उम्मीद तो ये की जाएगी, उम्मीद तो ये की जाएगी शाहनवाज की, पहले तो हालात जितने जल्दी बदल सके बदले, दूसरी चीज ये कि अगर हालात बदलने में वक्त लगता है तो राहत बचाव टीम फौरन पहुंचे वहां पर, और जो लोग अपनी जान के लिए भीख मांग रहे हैं, जो लोग सदमे में है वहां पर, सकते में है, खौफ में है, उन्हें वहां से निकाला जाए, उनकी घर वापसी कराई जाए, पहला तो ये लक्ष्य होना चाहिए, और इसी उम्मीद में वहां लोग बैठे होंगे। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए आपका और तमाम जानकारी के लिए। तो काम की तलाश में जो तमिलनाडु गए और जो तमिलनाडु से हालात सामने आए हैं कि त्रिपुरा में जिस तरह से हिंदी भाषियों को निशाना बनाया जा रहा है, उनके साथ मारपीट की जा रही है, न सिर्फ मारपीट, कत्ल की भी कई खबरें आई हैं। अब सरकार ने ये कहा है, राज्य सरकार ने, कि लोगों को वहां से वापस लाया जाएगा। लोग वीडियो वहां से बनाकर भेज रहे हैं, मदद की गुहार लगा रहे हैं, क्योंकि उनके पास घर से निकलने का भी उन्हें इतना खौफ है कि वो घर से निकल तक नहीं पा रहे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।